फिर आप बहुत बार बनाए होंगे और बहुत तरीके से बनाए होंगे। सिर्फ एक बार मेरे तरीके से ही अफगानी चिकन बना करके देखिए, सभी को इसके दीवाने हो जाएंगे, इतना मज़ेदार लगेगा ना सच में। एक बार बनाइएगा तो बार बार इसका डिमांड आएगा। तो चलिए देर ना करते हुए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ हम 700 ग्राम चिकन लिए हैं, ये हमारा स्किनलेस चिकन है, इसे हम अच्छे से धो कर के रख लिए हैं। अब इसमें डालेंगे 4 चम्मच दही, ये हमारी घर की ताजी दही है, 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 छोटी चम्मच इसमें नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वादानुसार लीजिएगा। अब सबको अच्छे से मिक्स करेंगे चिकन के साथ। यहाँ चिकन को हम अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब इसे हम 4 से 5 मिनट तक रेस्ट करने देंगे, तब तक हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ गैस पे एक पैन रखे हैं, पैन हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच तेल। यहाँ हम 3 प्याज लिए हैं, 1 टमाटर और 5 हरी मिर्च, देखिए इस सबको इस पैन में हम डाल देंगे। इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच नमक। अब इसमें हम डालेंगे 15-20 टूटे हुए काजू। अब इसमें हम डालेंगे कुछ खड़े मसाले, यहाँ 5-6 पीस हम काली मिर्च लिए हैं, इसमें 2 व्हाइट वाली भी है, थोड़ी सी जावित्री का टुकड़ा लिए हैं, 3 लौंग, 2 इलायची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 1 चक्रफूल, इस सब को हम इसी में डाल देंगे और इसे हम हल्का भून लेंगे। एकदम इसे पकाना नहीं है, ना ही इसका कलर चेंज करना है। देखिए एकदम हल्का इसे हम भून लिए। अब गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया और इसे ठंडा करके हम ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ एक बाउल लिए हैं, मिक्स किए हुए सभी चिकन को इस बाउल में डाल देंगे। आप चाहे तो उसी बाउल में ही मसाले डाल सकते हैं, हमारा बर्तन छोटा पड़ जाता है, इसीलिए हम चिकन को बड़े से बाउल में ट्रांसफर कर लिए हैं। अब इसमें ग्राइंड किए हुए सभी मसाले को डाल देंगे हम। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, तो 1/2 छोटी चम्मच हम नमक ऐड कर रहे हैं, नमक हम पहले भी डाले हैं इसलिए नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। 1/2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब चिकन के साथ मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ मसाले के साथ चिकन हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका, अब इसमें ढक करके हम 10 मिनट रेस्ट करने देंगे। गैस पे एक पैन रखे हैं, इसमें डालेंगे हम 3 चम्मच तेल और 1 बटर का क्यूब डाल देंगे। इसमें तेल में हमारा बटर अच्छे से मेल्ट हो रहा है। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच साबुत धनिया, इसे हाथों से हम क्रश करके डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छे आए, और 1 चम्मच कस्तूरी मेथी, इसे भी हाथों से ऐसे क्रश करके डालेंगे। यह कस्तूरी मेथी और धनिया अच्छे से भून चुका तेल में बटर के साथ। अब जो हम चिकन मसाले के साथ मैरिनेट करके रखे थे उसे एक फॉग से उठाएंगे और इसमें ऐसे डाल देंगे। सभी चिकन को हम पैन में डाल दिए हैं और जो ग्रेवी है उसका हम यूज बाद में करेंगे, इसको साइड में रख देते हैं। सभी चिकन को हम अलट पलट के अच्छे से पका लेंगे। यहाँ चिकन को भूनते हुए 5 मिनट हो चुका है, देखिए कितना ड्राई हो चुका है और कितना प्यारा कलर आ चुका है, देखते हैं। सभी चिकन हमारा बहुत अच्छे से पक चुका है। अब गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। फ्लेम हम ऑन कर दिए हैं, इसी में इस चिकन को हम सेंक लेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यदि आपके पास ग्रीनेल हो तो आप उसमें भी सेक सकते हैं। देखे?
ऐसे अलग पलट के हम खूब अच्छे से इसमें इसको सेक लेंगे। इनको ऐसे सेकने से एकदम तंदूर वाली फ्लेवर आती है। सभी चिकन को हम ऐसे ही सेक लिए हैं झारे में रख के। देखिए कितना मस्त दिख रहा है। ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ गैस पे कढ़ाई रखे हैं। इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच तेल, 1 चम्मच धनिया, इसे हाथों से क्रश करके हम डालेंगे। कस्तूरी मेथी, इसे भी ऐसे ही क्रश करके डालेंगे। 1/2 छोटी चम्मच इसमें डालेंगे हम गरम मसाला। सभी ग्रेवी को हम इसमें डाल देंगे। सभी को मिक्स करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे 2 मिनट तक हम पकाएंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे पकते हुए ग्रेवी को 2-3 मिनट हो चुका है। देखिए कितना अच्छा से ग्रेवी हमारा बन के रेडी हो गया है। इसका पूरा तेल सेपरेट हो गया है ग्रेवी से। अब इसमें हम सभी चिकन को डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका लीड लगा के हम 2 मिनट और पका लेंगे। ग्रेवी के साथ चिकन को पकते हुए 2 मिनट हो चुका। देख रहे हैं कितना मस्त बना है और कितना। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच फ्रेश क्रीम। आपके पास यदि ताजी दूध का मलाई हो तो उसको भी डाल सकते हैं। इसी के साथ इसमें हम डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच चीनी। अब सबको हम मिक्स करेंगे। चलिए इसके ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया से गार्निशिंग कर देते हैं। तो ये लीजिए हमारा मज़ेदार सी अफगानी चिकन बन के तैयार हो चुका, जो बनाना कितना आसान है और खाने में तो मज़ा ही आ जाता है। यदि आप लोगों को हमारे ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वे प्लीज़ सब्सक्राइब करें।